हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं खास रेसिपी जो है दाल। डेली हम सिंपल दाल बनाते हैं, बस उसी दाल को हमें बना देना है बिल्कुल स्पेशल, जो बिल्कुल सेहत से भरपूर हो, स्वाद से भरपूर हो, ना पसंद करने वाले भी खाए, बच्चे बड़े सबको पसंद आए। आप देख सकते हैं सिंपल सी दाल को हमने बिल्कुल से बिल्कुल स्पेशल बना दिया है। बहुत ज़्यादा स्वाद लगती है, बहुत टेस्टी लगेगी, सबको बहुत पसंद आएगी और बहुत ज़्यादा हेल्दी है। इसमें विटामिन्स हैं, इसमें मिनरल है, आयरन है, प्रोटीन है, सब कुछ है। आप इसके चपाती और राइस के साथ जिसके साथ मर्जी हो खा सकते हो, तो अभी ये कंप्लीट डाइट हो जाएगी आपकी और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो चलिए, बातों में समय हम नहीं गंवाते हैं और इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है पालक, एक बंडल हमने पालक लिया है। इसे साफ करके हम छोटे टुकड़ों में काट के अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। इसके अलावा लिया है मैंने दो गाजर, इसे भी छील के छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो चलिए पहले हम ये कर लेते हैं। पालक को मैंने छांट के छोटे टुकड़े में काट लिया है। इसे मैंने तीन चार पानी से अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है ताकि इसकी पूरी मिट्टी निकल जाए। इसके अलावा मैंने गाजर को भी धो के काट लिया है। इसके अलावा मैंने लिया है दाल, ये अरहर दाल और मूंग दाल है जो मैं डेली उसमें बनाती हूँ। आप जो भी दाल बनाते हो, अगर सिर्फ आप अरहर का दाल बनाते हो या फिर अरहर के साथ मसूर मिला के बनाते हो, जो भी आप डेली उसमें दाल बनाते हो, उस दाल को आप ले लो और उसे वॉश कर लेना है। ये दाल आपका बहुत ही हेल्दी और पौष्टिक होने वाला है। दाल प्रोटीन का भरपूर स्रोत होता है, इसे बहुत सारा प्रोटीन मिलता है। पालक आयरन का बहुत अच्छा स्रोत है, बहुत ज़्यादा आयरन मिलेगा। गाजर से विटामिन्स मिलते हैं, तो ये आपका एक पूर्ण डाइट हो जाएगा। इसके बाद आप राइस या चपाती के साथ खा रहे हो तो राइस और चपाती से आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, तो आपका एक पूरा बैलेंस्ड डाइट इससे तैयार हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। तो आप बना के ज़रूर से ट्राई करना इसको, और बनाना इसको बहुत ज़्यादा ईजी है। आप जनरली जो डेली यूज का दाल बनाते हो बस उसी को बनाना है, बस हम इसे थोड़ा सा रिच कर देंगे, हेल्दी बना देंगे और इसको बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बना देंगे। हमने इसमें पालक और गाजर डाल दिया है। अब नॉर्मल हम इसमें पानी डालेंगे। इसमें हम डालते हैं पानी, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, पालक से भी थोड़ा सा पानी निकलेगा। बहुत पतली दाल नहीं बनानी है, लेकिन नॉर्मल इसमें इतना पानी हम डाल देते हैं। अगर हमें पानी ज़्यादा या कम लगेगा तो दाल बनाने के बाद फिर हम उसको मैनेज कर लेंगे। तो हमने इसमें डाल दिया है पानी। अब हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, जिस तरीके से आप डेली उसका सिंपल दाल बनाते हो बस वैसे ही पहले हम इसको बॉईल कर लेना हमें। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें हल्दी, नमक हल्दी हमने डाल दिया है। कुकर को सेट कर लेते हैं। कुकर के हम तीन, जैसे नॉर्मल चार पांच सीटी बना के दाल बनाते हैं उस तरीके से, आपका जिस तरीके का दाल है, चना दाल में हमें थोड़े ज़्यादा सीटी लगवानी पड़ती है, जो भी आपका दाल है आप उतनी सीटी इसमें लगवा लेना। तो मैं इसे गैस पर चढ़ा देती हूँ। दाल को मैंने गैस पर चढ़ा दिया है, इसमें सीटी लगने देते हैं। इसके अलावा हमने लिया है एक बड़े साइज़ का प्याज, आपके पास अगर छोटे साइज़ का है तो आप धो ले सकते हैं, बड़े साइज़ का टमाटर छोटे हैं तो धो ले लीजिए, खूब सारा लहसुन। अब इन सबको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। जब तक हमारी दाल सीटी देती है तब तक हम उसको काट के तैयार कर लेते हैं। कुकर हमारी सीटी दे चुकी है, दाल हमारा ठंडा हो गया है, खोल के देखते हैं। देखिए बन के तैयार है ये। इसके अलावा हमने अपने प्रिपरेशन भी कर लिया है। प्याज और लहसुन को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। हमने लिया है कुछ फ्रेश धनिया पत्ती, मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। टमाटर को मैंने काट लिया है। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। गैस हमने ऑन कर लिया है, कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल, हमारा गर्म हो गया। इसमें डालते हैं जीरा, इसके अलावा इसमें डालेंगे लहसुन, हरी मिर्च। आज आप डेली बनने वाले दाल को इस तरीके से बना के खाओ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दाल को खाना नहीं चाहते, उनको उसका टेस्ट पसंद नहीं आता, इस तरीके से बना कर दो। जिसको पसंद नहीं आती दाल वही बहुत पसंद से खाएंगे। लहसुन को पूरी तरीके से ब्राउन कर लेना है ताकि इसका टेस्ट पूरी तरीके से ऑयल में आ जाए। लहसुन हमारा ब्राउन हो गया है, इसमें डालेंगे प्याज, प्याज हमारा ब्राउन होने लगा है,
डाल देते हैं इसमें हम अपना टमाटर। नमक हमने अपनी दाल में ही डाल दिया था तो नमक हमें नहीं डालना है। टमाटर हमारे पूरी तरीके से गल चुके हैं, अब हम इसमें डाल देते हैं अपनी फ्रेश धनिया पत्ती। धनिया पत्ती के साथ ही हम इसमें अपना दाल भी डाल देंगे। मैंने अपने दाल भी इसमें डाल दिए हैं। ये मुझे कुछ गाढ़ा लग रहा है तो इसमें थोड़ी में मैं पानी भी डालूंगी। अगर आपका दाल पतला है तो आप नहीं डालना। इसमें बस हम एक उबाल आने देंगे, दाल हमारा बनके तैयार हो जाएगा क्योंकि दाल ऑलरेडी हमारा पका हुआ है। बस इन सब्जियों का टेस्ट इसमें आना है। इसमें उबाल आने देते हैं। बिल्कुल ये दाल बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है, आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बच्चों को इस तरीके से बना के खिलाएं। दोस्तों वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे अच्छी सी वीडियो मैं आपके लिए और भी लेके आ सकूँ। इस दाल को आप चपाती के साथ भी खा सकते हो, बहुत ज़्यादा स्वाद लगेगी। आप राइस के साथ खा सकते हो, बिल्कुल स्वाद और सेहत से भरपूर ये दाल है और बिल्कुल प्लेन है। मैंने इसमें कोई मसाले नहीं डाले हैं लेकिन फिर भी इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा लाजवाब लगता है। ये आप बना के ज़रूर देखना और अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करना। दाल हमारी उबलने लगी है, ये हो चुकी है क्योंकि ऑलरेडी पकी हुई थी। अब बस फाइनली हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच शुद्ध देसी घी जो इसके टेस्ट को बिल्कुल दुगुना करने वाला है। चुकी है, गैस के फ्लेम को ऑफ करते हैं। आज देख सकते हैं स्वाद और सेहत से भरपूर दाल हमारी बिल्कुल तैयार है, बच्चे बड़े सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, आयरन इसमें सब कुछ है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए और भी लेके आ सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।